झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ है, मगर कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से धराशायी हो गई है। कोई देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं कर रहा है कि उनके वहां जाने के बावजूद हालात वहां नहीं सुधरे हैं। उल्टा अगर आप मीडिया पर निगाह डालें तो अफवाहों और झूठी खबरों के आधार पर आपको बरगला रहा है, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। चाहे वो साक्षी मलिक पर निशाना साधना हो, चाहे बुलंदशहर के मंदिरों पर हमले को लेकर झूठी खबरों का प्रसार हो, या फिर गेमिंग जिहाद जैसे वाहियात कार्यक्रमों पर चर्चा करना, ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद में तेरे। मैं आपको एक एक करके बतला रहा हूं दोस्तों कि ये मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता की गुलाम हो गई है, एक अपराध स्थली हो गई है। अपने गैर जिम्मेदाराना कार्यक्रमों के जरिए ये लोग समाज में सिर्फ असंतोष फैला रहे हैं, और जो सवाल पूछे जाने चाहिए सत्ता से वो पूछना तो दूर, ये लोग समाज के अंदर असंतोष पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने मिसाल देना चाहूंगा आज तक का। आज तक के कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में एक भ्रामक खबर चलाई गई, और वो भ्रामक खबर क्या है कि बुलंदशहर के मंदिरों में हमला हो रहा है। कहां गई धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड, क्यों है सेक्युलर लोग खामोश? पूरे प्रोग्राम का ऐसा फोकस था कि भड़काया जाए, उत्तेजना पैदा की जाए और भ्रामक खबर दी जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बुलंदशहर के जो मंदिरों में हमला हुआ था उनमें जो गिरफ्तारी हुई है इन चार लोगों की, और ये चारों के चारों हिंदू हैं। चैनल ने इस खबर को बाद में जरूर दिखाया, मगर उससे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि चैनल का एंकर किस तरह की भड़काऊ बातें कह रहा था, स्क्रीन पर देखिए। लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है, आपको किसी मीडिया में किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। अब इस मुद्दे पर पुलिस का क्या कहना है आप खुद सुनिए दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सुनिए पुलिस क्या कह रही है। ये सूचना मिली थी कि वहां पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है, ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पर तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ CCTV फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज मैं इंडिया टुडे के संस्थापक अरुण पुरी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब आपने इंडिया टुडे की स्थापना की थी तो मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था या स्कूल में था तब से लेकर जब तक मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू नहीं की, इंडिया टुडे की पत्रिका जो है ना हम सबके लिए एक प्रेरणा हुआ करती थी, एक इंस्पिरेशन हुआ करती थी। फिर इंडिया टुडे वो ग्रुप था जो आज तक जैसा न्यूज चैनल लेकर आया, और उस चैनल का भाव था तेजी से खबरें देना, यानी कि लगातार इंडिया टुडे एक ट्रेंड सेटर रहा। मैं अरुणपुरी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके चैनल में प्राइम टाइम एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कथित तौर पर 100 करोड़ की वसूली करते हुए पकड़ा गया,
उसने करीब 2 हफ्ते जेल में बिताए। बात वहां नहीं रुकी, उससे पहले जब वो एक चैनल का मुखिया था उस चैनल को 1 महीने तक बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने उमा खुराना नाम की एक टीचर के बारे में एक झूठी खबर चलाई थी कि वो वेश्याओं की सरगना है। 1 महीने तक वो चैनल बंद रहा था। यानी कि प्राइम टाइम में दिखने वाला ये शख्स, इसका इतिहास आपके सामने है। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी जरूर खिंचवाता है, यानी कि बीजेपी के बहुत करीब है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है एक ऐसे व्यक्ति को प्राइम टाइम में जगह देना? खैर, आप किसी को भी प्राइम टाइम में जगह दे सकते हैं, मगर मुद्दा यहां पर यह है कि जिसका एक इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत तू जेल गया, क्या वजह है आपकी? आखिर क्या वजह है कि आपके चैनल पर आपके जो एंकर्स होते हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता की गुलामी की जाए? मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। इनके यहां एक डिबेट हुआ था दोस्तों, और वहां एक छोटी लड़की ने एक सवाल पूछा था भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। यह सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे। इसके जवाब में शहजाद पूनावाला ने इस क्लिप में कहा कि ऐसी कोई बात मोदी जी ने नहीं की। उसने आगे यह भी कहा कि यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो कांग्रेस चला रही है। बताइए, व्हाट्सएप के जरिए सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी ने फैलाई है तो भाजपा के नेताओं ने। मगर भाजपा का प्रवक्ता आरोप किस पर लगा रहा है? कांग्रेस के नेताओं पर। मगर बड़ा प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कही थी? हाथ कंगन को आरसी किया। तेलंगाना में उनके भाषण को सुनिए, ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री अंत में जाकर क्या कहते हैं, सुनिए। कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो 1 यूनिट का करीब करीब 11-11.5 रुपया लगता था। 1 यूनिट का 11-11.5 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11-11.5 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। आप जानते हैं वो जो क्लिप था उसमें खुद एंकर ने कहा, मैंने भी नहीं सुना प्रधानमंत्री को ऐसा कहते हुए, एंकर ने यह बात कही। भाजपा का प्रवक्ता अगर सवालों से बचे तो समझ आता है, क्योंकि वो जो प्रवक्ता था अभी कुछ सालों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली देता था, अब शब्द कहता था और न जाने क्या क्या कहता था। अब उसकी कौन सी कमजोर नब्ज बीजेपी के हाथ में आ गई है कि वो भाजपा में जाके घुस गया है। मगर वो एंकर, उसने इतने आत्मविश्वास से गलत बयानी क्यों की, क्यों भ्रम फैलाया, मैं समझना चाहता हूं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आज तक ने बाकायदा एक भ्रामक खबर चलाई थी कि साक्षी मलिक जो हैं वो आंदोलन से पीछे हट रही हैं। यही नहीं, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, सभी ने झूठ चलाया था। साक्षी मलिक को सामने आना पड़ा था और यह बयान देना पड़ा था कि मैं आंदोलन से वापस नहीं हो रही हूं। और रहस्यमय बात देखिए, अमित शाह से मुलाकात होती है और उसके ठीक बाद इस तरह की भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं। बार बार मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मिसाल सिर्फ एक चैनल की दी है, और ये तमाम चैनल्स भ्रामक खबरें चला रहे हैं। वजह क्या है इसकी? मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक बड़ा ट्रेन हादसा होता है जिससे सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि सुरक्षा में कोताही क्यों बरती गई। मगर मैं आपको बताता हूं, इतने अहम दिनों में भी न्यूज चैनल्स गेमिंग जिहाद पर डिबेट कर रहे थे, गेमिंग जिहाद पर। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह मुद्दा इतना अहम है जिसके ऊपर डिबेट किया जाए और पूरा प्राइम टाइम लगाया जाए?
मैं आपसे समझना चाहता हूं, आखिर क्यों भड़काऊ मुद्दे पर समाज को हमेशा ज्वलंत रखा जाता है, हमेशा जलता हुआ बताया जाता है, आखिर क्यों इस तरह के डिबेट्स होते हैं? और बात वहां नहीं रुकती। एक तरफ तो भड़काऊ कार्यक्रम जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधना, मसलन राहुल गांधी अमरीकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से मुलाकात करते हैं तो रिपब्लिक न्यूज उसे एक बहुत गुनाह की तरह, एक बहुत बड़े गुनाह की तरह पेश करती है और इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है। यही नहीं, रिपब्लिक न्यूज का जो संपादक है, ये जो चाटुकार है, उसने ये शो भी चलाए उस दिन जब मणिपुर में डिबेट होने चाहिए थे, मोदी वर्सेस ऑल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अकेला, एक बेचारा उसकी तरह पेश किया जाए कि देखिए एक मोदी जी अकेले हैं, सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी जिन्ना पर बयान भी नहीं देते, और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के झूठे कार्यक्रम अलग अलग चैनल्स में उनके खिलाफ चलाए जा रहे थे आपके स्क्रीन्स पर। ये देखिए, वह राहुल बाबा जिन्ना से प्यार, मोदी पर प्रहार, मोदी योगी से जंग, राहुल मुस्लिम लीग के संग, जो बंटवारे का जिम्मेदार, राहुल को उससे प्यार। फिर देखिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग क्यों भूले राहुल गांधी, तीन खबरें, तीन अलग अलग चैनल्स, मगर भाव एक, राहुल गांधी पर झूठी खबर चलाई जाए क्योंकि उन्होंने जिन्ना का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम लिया, मगर बावजूद इसके ये तमाम चीजें चलाई जा रही हैं। वजह क्या है बताइए, क्या वजह है? क्योंकि लोकसभा चुनावों में रह गए हैं महज 10 से 11 महीने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, मगर बीजेपी यह नहीं समझ रही कि तुम जिस प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो वोट्स बटोरने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए, एक दिन यही प्रचार तंत्र तुम्हारे गले की फांस बनने वाला है, तुम्हारे पतन का कारण बनने वाला है। मगर फिलहाल जिस तरह से प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश को उसका नुकसान हो रहा है, देश में बेवजह हिंदुओं मुसलमानों के नाम पर बंटवारा हो रहा है, इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही है, मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों। और आप जानते हैं, ये जो तमाम मिसाल आज मैंने कार्यक्रम में आपके सामने पेश की है, ये पिछले एक साल की मिसाल नहीं है, सिर्फ पिछले 3 दिनों की मिसाल है। सिर्फ 3 दिनों में न्यूज चैनल्स इस तरह का जहर, इस तरह का भ्रम, इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं भाजपा के पक्ष में। चलिए, आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करना है आप कर लीजिए, मगर सच तो कहिए, वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि इस तरह से आप कर रहे हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रचार भी नहीं करना चाहिए, सत्ता से खास तौर पर सवाल किया जाना चाहिए, वो करना तो दूर, मगर इस तरह की झूठे कार्यक्रम करते हैं। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों, जाते जाते जिस दिन ट्रेन का बड़ा हादसा होता है, इंडिया टुडे ग्रुप हिंदी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए यह संस्करण निकालता है। क्यों? क्या कोई और मौका आपको नहीं मिला? क्या कोई और दिन आपको नहीं मिला? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उनका महिमामंडन तमाम पापा की परियां और मीडिया तो कर ही रहा होता है, मगर इस तरह से इंडिया टुडे हिंदी जो है ये संस्करण जारी करता है उसी दिन। पूरी कोशिश है दोस्तों कि भाजपा की सेवा की जाए, विपक्ष को बदनाम किया जाए। विपक्ष तो चलिए बच जाएगा, मगर मैं समझना चाहता हूं कि देश को तुम जिस तरह से बांट रहे हो, जिस तरह से जहरीले कार्यक्रम चला रहे हो, देश का क्या होगा बताओ? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।